नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा के सेव कर लें ताकि जो भी वीडियोस हम बनाएं उनका लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो डिले या मिस ना हो। अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारी एनालिसिस देखना चाहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sureshotformula.com पे विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं या हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लास्ट में लाइक करना, शेयर करना मत भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे क्रूड के बारे में बात करेंगे। 23 नवंबर को हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था क्रूड का, उसके बाद काफ़ी जो लेवल्स हमने उसमें बताए थे वो लेवल्स देखने के लिए मिले, जैसा कि 4100 तक का एक्सपेक्टेशन था हमारा, 4127 का हाई बनाया है क्रूड ने, वहाँ से अभी 100 पॉइंट नीचे चल रहा है। उसके अलावा अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो एक 64.80-65.10 का रेजिस्टेंस था, बराबर क्रूड ने उस रेजिस्टेंस को लिया। अब हमें ये देखना होगा कि आगे क्रूड किस तरह से बिहेव करेगा, क्या क्रूड जो एक्सपेक्टेशन थी उस समय कि 69-71 डॉलर तक जाएगा या नहीं जाएगा, आने वाले लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। क्रूड का MCX पे 19th को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है मंडे से, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो क्रूड से रिलेटेड आपके मन में होंगे उनके आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो क्रूड के फॉरेक्स लेवल हैं या जो क्रूड के नाइमेक्स के लेवल हैं, और दूसरे पार्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रूड के MCX के लेवल। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले कुछ दिनों में USD INR में बहुत फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिली, एक दिन 1% ऊपर हो गया, नेक्स्ट डे आधा परसेंट नीचे हो गया, तो इसकी वजह से जो प्राइस डिफरेंस है ना वो MCX पे वो देखने के लिए भी मिला कि जैसे 64.70 डॉलर पे हमें एक बार 31.27 देखने के लिए मिला, उसके 41.27 देखने के 23 देखने के लिए मिला, उसके बाद उससे कम के लेवल पे ही हमें एक नया हाई क्रूड में 41.27 देखने के लिए मिला, क्योंकि एक दिन डॉलर 1% ऊपर, मतलब डॉलर 1% मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं MCX पे उनके प्राइसेस कंपैरेटिवली द पीयर्स विच आर ट्रेडिंग ऑन इंटरनेशनल बोर्सेस, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नाइमेक्स पे हो गया, या जो बेस मेटल आपके LME पे ट्रेड करते हैं, या जो गोल्ड है वो बुलियंस जो है वो कॉमेक्स पे ट्रेड करते हैं, इन सबके जो पेयर्स रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली 1% बढ़ गए MCX पे। फिर नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा USD INR में INR मजबूत होता दिखा, जिसकी वजह से कुछ प्राइसेस डाउन होते हुए दिखे एज कंपेयर टू देयर ग्लोबल जो पेयर्स हैं। अब मैं बात करता हूँ क्रूड की। तो दोस्तों, क्रूड में आप देख सकते हैं जो करेंट रेट है क्रूड का वो है 6357 का, और मैं आपके साथ वीकली कैंडल डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि छोटी कैंडल डिस्कस करने का मतलब अभी नहीं बनता। देखिए, क्रूड में जो हाई बना है वो बना है 64.77 का, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल पे जो हाई बना है 64.89 का, तो अगर देखें तो 65.05 का जो एक रेजिस्टेंस है वो इंटेक्ट है और अभी भी क्रूड उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं 65 का वो क्यों है। अगर आप देखेंगे ये चार्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है दोस्तों, इसका जो ये वाली जो कैंडल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 65 के आसपास का लो है, और 65 पे मल्टीपल टाइम्स 65 पे, ये देखिए 64.80-65 पे मल्टीपल टाइम्स पहले सपोर्ट्स लिए हैं क्रूड ने। और ये जो कैंडल है अगर मैं आपको दिखाऊं तो 17/5/2010 की है, उससे पहले अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो ये देखिए 65, ये लो आप देखिए इस वाले पे, मैं आपको फिर से इस कैंडल पे लेके जा रहा हूँ, इसका लो 65.05 है, इस कैंडल का जो लो है वो 65.41 है।
तो 65 कहिए या सब 65 लेवल की बहुत इंपॉर्टेंस है। सेम अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, पीछे मैं पिछले 2006 तक हम आपको लेके चले आए, ये सारे देखिए जो 65 के आसपास का जो वैल्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो 64.80, 64.90 कहिए या 65.05 कहिए, वो क्रूड के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस दो वजह से है, एक तो हिस्टोरिक उसकी काफ़ी वैल्यू है, दूसरा अगर आप ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस देखेंगे, ये जो हमने एक ट्रेंडलाइन खींची है ये भी एग्जैक्टली यहीं पे आके कट करती है, और जो एक ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हो गई, और एक अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन देखेंगे पिछले 3 महीने की, तो उसका भी जो टॉप है उसने यहाँ पे टच किया है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि 65.05, 65.50 जब तक होल्ड कर रहा है क्रूड, तब तक हमें एक दो पुलबैक आते हुए दिखेंगे जो उसको उसके सपोर्ट जोन 58 से 61 की तरफ लेके जाएंगे। अब दोस्तों ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो लेवल है अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। मैं ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, 58 में बोलूं या उसके नीचे अगर मैं आपको कहूं कि ये 55-56 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होंगे, और अनटिल एंड अनलेस क्रूड 55 के नीचे जाके क्लोज होता है क्रूड स्ट्रांग ही रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि नीचे आते समय 61 का जो लेवल है, बिकॉज जब ये ऊपर जा रहा था तो आप देखेंगे ये वाला लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और जब इसके ऊपर गया तो इमीडिएट सेम कैंडल में हमें $4, लगभग $3.5-4 की बढ़त देखने के लिए मिली। जैसा कि आप देखेंगे ये मल्टीपल टाइम्स, और ये पूरी घटना हुई थी 25/5/2015 में, उसके बाद क्रूड के जो हाईज हैं, जो उस समय 39.89 का हाई बनाया था क्रूड ने, मैं इंडियन मार्केट पे बात कर रहा हूँ, अगर इंटरनेशनल बात करूँ तो जो हाई था वो आपका हाई था उस समय पे 62.58, उसके बाद ये नया $2.5 एक कैंडल में वीकली हमें देखने के लिए मिला। ये जो कैंडल आप देखेंगे इस कैंडल में देखिए 62.20, जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग गई तो हमें लगभग $2.5 इंट्राडे आते हुए दिखे हैं, और ये है वो कैंडल जिसमें वीकली कैंडल जिसमें 64.77 का हाई बनाया। अगर नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उसने अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को या जो उसने अर्लियर इंपॉर्टेंट लेवल, दोनों एक जगह पे छुए, और इससे उस लेवल की बहुत वैल्यू हो जाती है। अब अगर मैं आपको बताऊं इसके ऊपर निकलता है, इस पूरे सेटअप को, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है अगर क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 69.50 से 72.50 का, और 69.70 विल बी अ वेरी क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल फॉर क्रूड। एंड इफ इट कन्वर्ट्स, इफ वी कन्वर्ट इट इन इंडियन करेंसी, तो 45-4600 विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रेजिस्टेंस। अब वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है वो मैं आपको इंडियन चार्ट, जब MCX का चार्ट हम अपने सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 4500-4600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, और उससे पहले कौन कौन से छोटे या बड़े पुलबैक जोन्स हैं जो हमें क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। उनमें से एक 4120-4130 का था, उसकी भी हिस्टोरिक रेलेवेंस है, उसको भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले इंटरनेशनल चार्ट बताना चाहता हूं। उसकी वजह ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो अगर इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो उनको भी इससे समझने के लिए मिले कि अगर उनके पास सेल पोजीशन है तो उनको SL कहां डालना चाहिए, अगर वो बाई पोजीशन लेना चाहते हैं तो कौन सी वो जगह है जहां पर वो सेफली बाय कर सकते हैं। और जैसा कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, अब 61 से लेकर और 58 तक का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड के लिए, और अगर उस जोन में आप बाय करते हैं तो जो सेफ साइड में SL होगा वो 55 के नीचे होगा। जब तक डिसाइसिवली मार्केट 55 नहीं तोड़ती है तब तक हमें फर्दर करेक्शन क्रूड में नहीं देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है नेक्स्ट कुछ मंथ्स तक हमें क्रूड में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने के लिए मिले। अब उसका टॉप क्या होगा ये आने वाले वीक्स में आपको पता लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है, और बहुत हद तक ये जो डिक्लाइन है वो अगर 61 पे या 58 के आसपास जाके थमता है तो फिर से हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलेगी, और वो अप मूव हो सकता है कि क्रूड को 69-71 डॉलर्स तक भी लेके जाए। इसका पूरा सेटअप चार्ट पे है,
इस लेवल के बाद जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो ये है दोस्तों, और यहाँ तक जा सकता है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये फर्स्ट लेवल है जो लगभग 69 के आसपास आता है, और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है वो लगभग 72-73 के आसपास आता है। तो ये दो लेवल्स अपने दिमाग में रखिए। कोई भी ट्रेड अगर आप क्रूड में कर रहे हैं तो 41.75, या अगर मैं करेंसी की बात करूं, ये फॉरेक्स की बात करूं, आईमेक्स की बात करूं, तो 65.50 के आसपास 65.50 अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह की मूवमेंट 62.20 टूटने के बाद हमें $2.5-3 की मूवमेंट देखने के लिए मिली, हो सकता है कि जब 65.05 क्रूड डिसाइसिवली तोड़ के करेक्ट हो जाए, बंद हो जाए, वहाँ पे क्लोज हो जाए, तो हो सकता है कि वही वीकली मूवमेंट उसको 69.50-71 तक लेके चले जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़बरदस्ती ट्रेड करके मत फंसिए। 65.05-65.5 जब तक रेस्पेक्ट करता है, क्रूड रेंज बाउंड रहेगा नीचे की तरफ, जब वो 65.5 तोड़ता है तो एक $5 की मूवमेंट हमें बहुत फास्ट आते हुए दिख सकती है। तो इस लेवल को याद रखिएगा ट्रेड करते समय। अब दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको MCX पे, और MCX में दिखाते हैं कि क्या वो लेवल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि क्या हमारे सॉफ्टवेयर ने पोजिशनल में 8 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम आपको वीकली चार्ट पे लेके चलेंगे, मंथली चार्ट पे लेके चलेंगे और क्वार्टरली चार्ट पे लेके चलेंगे। इवन जो 23 नवंबर का वीडियो हमने बनाया था उसमें भी हमने वीकली मंथली चार्ट की बात करी थी, और इसमें भी हम वो पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर चीज़ आपको बहुत क्लियर समझ में आए और कोई डाउट ना रहे लेवल्स के टर्म्स में। दोस्तों जो क्रूड में हमें एक डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला, जो पूरा डिक्लाइन हुआ उसके बाद हमें एक डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला, वो लगभग हमें 36.70 पे देखने के लिए मिला, जिसका यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला, जिसका कॉन्फर्मेशन हमें यहाँ मिल गया था। आप देखेंगे मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस था 37.40-37.60 के आसपास, वो जब इसने निकाला तो उसके बाद एक छोटा रेजिस्टेंस जो कि मल्टीपल टाइम इससे पहले भी उसको उसने बहुत वैल्यू दी थी, वो था 37.80-37.90 का। पीछे भी कई बार अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर चार्ट होगा, तो 37.80 से क्रूड 3-4 बार वापस आया था। तो एक रेजिस्टेंस था जो 37.80 पे वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, जो कैंडल उसने 37.80 के ऊपर बंद करी उसके बाद, और मैं कहूं कि वीकली कैंडल जो 37.80 के ऊपर बंद करी, तो उसके बाद नो लुकिंग बैक था क्रूड में। एक स्ट्रेट लगभग 300 पॉइंट स्ट्रेट हमें देखने के लिए मिले, जो निकलता उसमें एक छोटा सा उसको जरूर 39.60-39.80 पे देखने के लिए मिला, लेकिन उसको उसने बहुत वैल्यू नहीं दी। याद होगा आपको 39.50 का ओपनिंग हाई बना के एक बार 38.66 तक आ गया था क्रूड, और वहां से जो घूमा है तो फिर उसने जो सांस ली है वो 41.20 जो उसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जब वो सेटिस्फाई हुआ। तो अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो एक मोमेंटम हमें जो क्रूड के अंदर दिखा पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ, वो कंटिन्यू किया उसने, और वो 37.40-37.80 के ऊपर जब कंफर्म हुआ तो ये 300 पॉइंट स्ट्रेट रहे विदाउट। और यही मैंने बोला था जो 23 नवंबर का मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप फिर से जाएंगे 23 नवंबर का वीडियो देखेंगे, उसमें भी मैंने बहुत क्लियर कहा था कि 3780 अगर क्रूड ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 4040-4100 का लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट विल बी अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। इमीडिएट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, और वही सबके साथ होता है चाहे कोई भी कमोडिटी हो। तो वहां पे जब गया तो वहां पे उसको एक रेजिस्टेंस मिला, जिसको आप एक बात कह सकते हैं कि वो वहां से एक पुल बैक। देखिए, कोई कमोडिटी जब चलती है या कोई स्टॉक चलता है या कोई भी चीज़ जब चलती है, अगर वो रुक के चलती है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करती है। जैसे आप ही अगर चलें और लगातार दौड़ते रहें तो आप हाँफ के गिर जाएंगे, वही अगर आप थोड़ा दौड़े, रुके, थोड़ी देर बैठे, आराम करें, फिर बढ़ें, तो आपकी जो एनर्जी है वो प्रिजर्व होती है और लंबे समय तक वो आपके काम आती है। तो 41.20-41.30 एक रेजिस्टेंस था जहाँ से क्रूड में हमें एक पुलबैक देखने के लिए मिला, और वो लगभग 100 पॉइंट का पुलबैक था। अब वो जो पुलबैक आया वो एक सपोर्ट ले रहा था 4008-4010 के आसपास। उसकी वजह थी कि 4008 जो है वो डेमा का सपोर्ट था, और इसी वजह से हमें दो बार वो सपोर्ट क्रूड को वो सपोर्ट लेते हुए हमने देखा।
अब इस बार अगर क्रूड टूटता है तो नीचे की तरफ 3950 और 3950 के नीचे 3780 बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और मैं अगर बोलूं कि 3950 3980 फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वो बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो ये 8 आवर का चार्ट है, मैं आपको थोड़े बड़े चार्ट में लेके चलता हूं और मैं आपको वीकली का चार्ट दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे वीकली के चार्ट में तो एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस, देखिए ये, अब इसके हिस्टोरिक वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं कि हमने ये रेजिस्टेंस क्यों बताया। अगर मैं हिस्टोरिकली आपको लेके चलूं तो आपको पता लगेगा कि जो 41 जहां पे मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस लिया है वो एक्चुअल में हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं आपको वहीं लेके चलता हूं और ये दिखाने, क्योंकि मेरा एक मानना है मार्केट में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक वजह जरूर होती है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखेंगे ये कैंडल, देखिए ये वाली कैंडल, इस कैंडल का एग्जैक्ट हाई है 4127 का, और ये कैंडल 3 सितंबर 2011 में, देखिए ये कैंडल जो बनी है 4127 का, इस वीकली कैंडल का एग्जैक्ट हाई है, और ये कैंडल जो है बनी है वो 3/9/2011 में बनी है। और यही वजह था कि 4120 4130 एक इमीडिएट में जब क्रूड में 300 की एक तरफा मूवमेंट देखने के लिए मिली तो ये लेवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। वहाँ पे क्रूड रुका, मैं ये नहीं कहता कि ये मूवमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन ये एक ब्रीदर है, एक बुल्स के लिए ये ब्रीदर है और ये ट्रैप हो सकता है बियर्स के लिए। इसलिए हमें कोई भी नई पोजीशन लेते समय बहुत ध्यान रखना होगा कि जो हमारे एसएल हों वो बहुत टाइट हों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर वो कौन से लेवल्स, और ये देखिए ये एक बार का नहीं, ये जो हाई बना है ये एक बार नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4129 का हाई है, उसके बाद आप देखिए 4119 का हाई है, उसके बाद जब ये इस कैंडल में इसने तोड़ा तो आप देखेंगे 4286, उसके बाद आप देखेंगे 4428, उसके बाद आप देखेंगे 4689। तो इतने पे हमें नहीं जाना है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेवल है लगभग 4155, अब अगर 4130 के ऊपर देखें तो 4155 4195 एक अच्छा लेवल है, उसके बाद 4250 से 4275 एक अच्छा लेवल है, लेकिन जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा 4580 पे। और वो क्यों देखने के लिए मिलेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ये आपने लेवल देखा कि हमने जो 4130 कहा वो क्यों कहा, उसके ऊपर जो हम 4600 कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। तो ये वीकली चार्ट था, अब मैं इसके अलावा आपको एक मंथली चार्ट इसके अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए जितने लंबे चार्ट फ्रेम देखेंगे, अभी क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज पिछले कई महीनों में ये लेवल क्रूड में देखने के लिए नहीं मिले। और मैं अगर बोलूँ तो क्रूड अपने 3-3.5-4 साल के हाई पे चल रहा है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि जो लास्ट टाइम हाई बना था दोस्तों, देखिए ये हाई जो बना था यहाँ पे, ये हाई आपका बना था लगभग, नहीं टू ये नहीं, इसके अलावा जो हाईएस्ट था वो शायद ये था, हाँ देखिए 3989 का जो हाई बना था वो 2015 में, मई 2015 में बना था, मई 2015 के बाद ये लगभग ढाई साल के बाद क्रूड में ये लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। इसलिए इन लेवल्स पे, छोटे चार्ट पे इसका स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो इन लेवल की रेलेवेंस नहीं मिलेगी, ऊंचे जो रेजिस्टेंस हैं वो आपको पता नहीं लगेंगे। देखिए स्टडी करने के लिए पर्याप्त डेटा का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके पास सही कैमरे का होना ज़रूरी है, सही लेंस का होना ज़रूरी है, सही इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आप हंटिंग करने जाते हैं तो आपके जो टूल्स हैं वो बहुत हैंडी होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। इवन अगर कोई आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं तो जो सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप प्रॉपर एनालिसिस करना चाहते हैं तो डेटा होना चाहिए, विजन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको उसको किस तरह से इनकोड डिकोड करना है उसकी समझ होनी चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें आप कर ले जाते हैं तो आप अपनी ट्रेड्स पे 90-95% काबू पा सकते हैं,
मतलब उसमें से 95% आप सक्सेस निकाल सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंस के साथ आपको ट्रेड लेने में एक महीना दो महीना लग जाए, लेकिन जब भी आप ट्रेड लेंगे प्रॉपर एसएल के साथ लेंगे और उन ट्रेड्स में 99% चांसेस होंगे कि प्रॉफिट्स बहुत हैंडसम होंगे, क्योंकि आपके लॉस स्टॉप लॉस बहुत क्लियर होंगे। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो ये लेवल मैंने आपको दिखाया, नेक्स्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो ये लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया। अब ये लेवल क्यों आइडेंटिफाई, मैं जब 4580 बोलता हूं तो 4580 की वैल्यू क्या है, देखिए मल्टीपल कैंडल्स हैं जिसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसने रिस्पेक्ट किया, इसने रिस्पेक्ट किया, और ये छोटे मोटे कैंडल्स नहीं है दोस्तों, ये मंथली कैंडल्स हैं, मंथली वीकली क्वार्टरली कैंडल्स सालों में एक बार मिलती हैं और जो उनकी वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को 4500 4550 पे सेल करने का मौका मिलता है और 200-300 रुपए का वो वहाँ पे एसएल डालता है तो हो सकता है कि उसको 1500-2000 पॉइंट का प्रॉफिट भी क्रूड के अंदर मिले, क्योंकि वहाँ से जो भी पुल बैक्स होंगे वो मेजर पुल बैक होंगे। क्योंकि अगर आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, जब ये यहाँ से क्रूड गिरता था, अब आप देखिए कितनी बार, पहले तो यहाँ से ऊपर निकलने में उसको टाइम लगा, जब वो निकला तो फिर इस सपोर्ट की वैल्यू आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू थी। मतलब अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया तो जो हाई बनाया वो 5370, फिर अगर यहाँ से जो हाई बनाया उसने तो आप देखेंगे लगभग 5441, मतलब हज़ार हज़ार पॉइंट के पुलबैक्स हमें वहाँ से देखने के लिए मिले हैं, और दैट टू, तो इसलिए उस लेवल की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। जब तक क्रूड, फिर ये एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, जब तक क्रूड डिसाइसिवली 4580 के ऊपर जाके ट्रेड नहीं करता, हमें क्रूड में नए लेवल्स आते हुए दिखाई नहीं देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडियन मार्केट में हो गया, जैसे फॉरेक्स में मैंने आपको बताया कि 69.50 से 72.50, बिकॉज वो इसलिए मैंने कहा कि हेयर एंड देयर अगर हम उसको यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू जो चल रही है वो पेयर भी हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हमें सही कन्वर्जन करके रेट मिलेगा। इसलिए जब मैं यूएसडी की बात करता हूं तो मैं यूएसडी के, जब मैं नाइमेक्स की बात करता हूं तो नाइमेक्स की बात करता हूं, जब मैं एमसीएक्स की बात करता हूं तो फिर हम एमसीएक्स के टर्म्स में उसको देखते हैं। लेकिन अगर हम इस जगह पे भी रिलेट करें तो वहां पे लगभग अगर 65 से, जो कि 4100 का लेवल मैं मानता हूं, और अगर वहां से $5 भी ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट में 300 मानी है, तो लगभग 300 350, तो वही 45 से 4600 के बीच में अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से जो दोनों रेजिस्टेंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे 69.50 से 72.50 पे खड़ा है, और इंडियन मार्केट में जो लेवल खड़े हुए हैं वो खड़े हैं 4500 से 4600। ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो इमीडिएट इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं जहाँ से आपको छोटे छोटे पुलबैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर छोटी 150 पॉइंट की ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 4195 का लेवल ध्यान में रख सकते हैं, और उसके ऊपर 42.70 से 4200-4300 का लेवल भी दिमाग में रख सकते हैं, और वो जो होंगे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होंगे कि क्रूड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है वहां से हमें छोटे छोटे पुलबैक्स हमें देखने के लिए मिलते रहें, तो उनको भी ध्यान में रखिए। अगर छोटी ट्रेड्स करनी है तो उसके हिसाब से करिए, बड़ी ट्रेड का अगर वेट करना है, अगर कोई बहुत अच्छी पोजीशन आपको लेनी है तो 4500 से 46, और स्पेसिफिकली अब मैं आपको एक क्वार्टरली चार्ट भी जल्दी से दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं 4600 के लेवल की क्यों वकालत कर रहा हूं। क्वार्टरली चार्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 4-5, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा 4590 का ट्रेलिंग एसएल है, मतलब 4590 विल बी द बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर क्रूड गोइंग अपवर्ड्स, और 4590 को अगर वो सस्टेन करके, क्योंकि देखिए क्वार्टरली क्लोजिंग का मतलब होता है कि तीन महीने के बाद भी क्रूड उस लेवल पे सस्टेन करना चाहिए, तो जो क्वार्टरली नेगेटिव हुआ था क्रूड वो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर कहानी बदल जाएगी। तो अभी हम वहाँ नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ी सी अभी उस बारे में बात करना नहीं होगा सही, और वहाँ पे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं। बस क्वार्टरली चार्ट मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि 4580 मैं क्यों बोल रहा हूँ और 4580 की रेलेवेंस मैंने किस बेसिस पे ड्रॉ करी है। तो अभी के लिए आप ये याद रखिए, अगर क्रूड 4580 जाता है तो वहाँ पे आप पोजिशनल सेल कर सकते हैं,
100-150 पॉइंट का, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब भी वो वहां जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊं, एक डिटेल वीडियो बनाऊं। अगर आप फ्रैक्शंस में सेल करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसपे 100% नो लॉस गारंटी है, आपका लॉस नहीं हो सकता। बस उसमें जो आपका अप्रोच है वो बिजनेस अप्रोच होना चाहिए, जो हमने एक नई काफ़ी रिसर्च, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा मैं हमेशा लॉन्ग टर्म डेटा पे बात करता हूँ, मैं हमेशा लेवल्स की बात करता हूँ, तो काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये श्योर शॉट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें जो प्रॉफिट 99% नहीं, प्रॉफिट 100% है, लेकिन उसके लिए अप्रोच बिजनेस की चाहिए। उसके लिए वो 20,000-30,000-40,000 रुपए की कैपिटल में डेली का एक लॉट दो लॉट करने की सोच के साथ नहीं, वो ऐसी सोच है कि आपने एक बिजनेस ले लिया, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की CNF ले ली, और मैं गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर तो शायद CNF देके आपको 50,000 रुपए की मंथली गारंटी दे, इसमें आपको मैं नो लॉस गारंटी मिलेगी और उसकी तरह 50,00,000 रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो क्रूड में इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर से समराइज कर देता हूं इस पूरे वीडियो को। मैं अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, नाइमेक्स की बात करूं, तो इमीडिएटली 65.05 से 65.50 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा अगर क्रूड कहीं से घूमता है पुल बैक कंप्लीट करने के बाद। नीचे में 61 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, उसके बाद या कहिए अगर 62.20-62.30 से शुरू हो जाएगा और वो 58 तक जाएगा, ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको 62.20-61, उसके बाद आपको मिलेगा 60.08, उसके नीचे 59.40 और उसके नीचे 57.90, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कॉमेक्स के, आपको ध्यान में रखने हैं। 65.05 के ऊपर अगर निकलता है तो जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो 69 के आसपास आएंगे, फिर 69.90 के आसपास आएंगे, 70.65 का आएगा, 71.30 आएगा, 71.95 आएगा, 72.40 आएगा और 72.80 आएगा। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे में भी मैंने उसको डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में जब वो ऊपर जा रहा हो तो आसानी रहे, और अगर आप पुलबैक्स की ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पे कर पाए। अब अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करूं तो ऊपर जाते समय हमें एक 4195 का लेवल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर 4270 से 4300, उसके ऊपर 4490 और उसके बाद फिर अल्टीमेट 4580 से 64610। ये तमाम लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब नीचे आते समय क्रूड में जो हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 3940 से 3960 का है, जो 3940 से 3960 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, उसके नीचे 3840 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, उसके नीचे 3780-3760 विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो इस पूरे मूवमेंट में 3780 से 3740 अल्टीमेट सपोर्ट होगा, जब तक ये नहीं टूटता क्रूड में जो मंदी है, ये जो तेजी है वो बनी रहेगी और जो सब 4000 लेवल्स हैं वो बार बार आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई ट्रेड लेते हैं एक अच्छे SL के पास, एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास लीजिए। अगर आपका 20-30 पॉइंट का SL हिट हो जाता है उस ट्रेड से भाग जाइए, निकल जाइए, फिर तुरंत जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ पर जाके ट्रेड ले लीजिए। उसमें दो चीज़ें होंगी, जैसे एक ट्रेड में आपका 200 पॉइंट का SL या 150 पॉइंट का या 400 पॉइंट का SL जाएगा, वहाँ पे आपको लगभग 10 से 15 ट्रेड करने के लिए मिलेगा, और जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 90:10 रहती है, मतलब 90-95% चांसेस हैं आपके सक्सेस के और 5-10% चांसेस आपके फेलियर के। जो 5% से 10% चांसेस हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि मार्केट का नेचर अनसर्टेन रहता है, फ्यूचर अनफोर्सीन रहता है, किस तरह की मूवमेंट है ये दुनिया में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम लेवल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो जोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस के जितना पास सेल करें वो हमारे लिए अच्छा, सपोर्ट के जितना पास हम बाय करें हमारे लिए अच्छा,
एक सपोर्ट खत्म होते ही हम वहां से निकल जाएं, नेक्स्ट सपोर्ट पे फिर से बाय करें। और विश्वास मानिए, जब भी वो घूमेगा तो आपके सारे दुखों का नाश कर देगा। तो अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 4195, और वहाँ से 300-400 पॉइंट का पुलबैक, जैसे कि अगर मैं 4130 कहूँ, जो मैंने आपको दिखाया कि 4127 इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि हिस्टोरिकली 4120, 4119, 4127, 4129, 4132 ये लेवल से हमें, जबकि वो वीकली चार्ट था, अगर मैं उसको छोटे चार्ट में तोड़ूंगा तो आपको और अच्छी तरह से दिखाई देगा। और मैंने कहा मार्केट में कुछ भी होता है उसका रेफरेंस आपको पिछले वीडियो, पिछले डेटा में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों दो तीन चीज़ें एक बार अपने जहन में बसा लीजिए। पहला तो आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, तीसरी आपका जो क्या कहते हैं कैपिटल मैनेजमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। एक ट्रेड में कभी भी आपको 100% लॉस नहीं लेना है, बल्कि 5-10% एक ट्रेड के लिए लॉस रखिए, उससे ज़्यादा अपनी कैपिटल स्टेक पे मत डालिए, एक ट्रेड में ख़त्म मत होइए। मैंने कई कस्टमर्स को, इवन एक क्लाइंट मुझसे आज भी जुड़े हैं, और उन्होंने 16 लॉट, वो बेचारे 10-10 पॉइंट करके क्रूड में कमाते थे, 10 पॉइंट लेते थे, इस तरह से उन्होंने 2.25 लाख रुपए बनाए, 2 महीने या 3 महीने नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2.25 लाख रुपए बनाए। उसके बाद वो 36-70 या 36-80 पे 16 लॉट क्रूड में एवरेज कॉस्ट में फंस गए। लास्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट में उनको 4030 का क्लोजिंग में बंद हुआ, 4030 में निकले, लगभग 5 लाख रुपए का उनको नुकसान हुआ। उनकी बेचारे की जो 2.25 लाख रुपए की अर्निंग थी वो तो चली गई, 3 लाख रुपए उनकी जेब से चले गए। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये गलती नहीं करना। छोटे छोटे लॉसेस लेने हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं। प्रॉफिट्स को लेने के लिए हमें अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा मैं बाहर होने की वजह से कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें मेरे पास नोटेड हैं, कस्टमर्स के कई क्वेश्चंस नोटेड हैं, मुझे निफ्टी में भी वीडियो बनाने हैं, मुझे FNO में वीडियो बनाने हैं, मुझे NCDX में वीडियो बनाने हैं, मुझे फॉरेक्स में इंडिविजुअल वीडियोज़ अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाने हैं, लेकिन ये सब होगा आने वाले दिनों में। बहुत ही रेगुलर आपको मेरी तरफ से वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा सा मुझे पार्डन करिएगा काम में व्यस्त होने की वजह से, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ों को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन अपने सॉफ्टवेयर के काम में भी मैंने ये चीज़ सोची है अभी, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो 28,600 रुपये, 28,600 हो गए हैं पर लाइफ टाइम के, लेकिन मैंने ये सोचा है कि एक महीने में मैं 25 से ज़्यादा कस्टमर्स एंटरटेन नहीं करूँगा, या 25 से ज़्यादा कस्टमर्स को एनरोल नहीं करूँगा, ताकि मैं उन 25 लोगों पे पूरा टाइम दे सकूँ, उन 25 लोगों के साथ पूरा डिस्कशन कर सकूँ। और मेरी कोशिश है कि अच्छे कस्टमर्स को लेके उनके साथ प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, प्रॉपर लर्निंग की जाए, और उनको चीज़ों को समझाया जाए कि किस तरह से लेवल्स मैटर करते हैं मार्केट में, किस तरह से आप अगर सही लेवल्स पकड़ने में कामयाब हो गए तो आपको बहुत अच्छी जगह पे छोटे SL के साथ बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। यहाँ समस्या क्या है कि बस कस्टमर एक चीज़ सोच के, जैसे मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, इवन एक छोटा सेमिनार लिया था अभी मैंने, उसमें भी मैंने कुछ कस्टमर से 1-to-1 भी जब पूछा था, तो जो भी ये बोलता है कि मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ, 10 लाख का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का नुकसान हुआ, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने 10 लाख रुपए एक साथ लाया, या मैं 5 लाख एक साथ लाया, या मैं 2 लाख एक साथ लाया। 90% 98% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं 50,000 लेके आया, वो 50,000 घुस गया, फिर मैं 50,000 लेके आया, फिर घुस गया, फिर 20,000 लेके आया, घुस गया। इस तरह से अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आपके पैसे घुसेंगे ही। बहुत छोटे पैसे से बहुत बड़ी कमाई नहीं हो सकती, इसीलिए हमने इन दो अप्रोचेस में बांटा है। एक तो हमने कस्टमर को दो कैटेगरी में बांटा, एक जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं और एक जो एक HNI कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं, जो मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रीट करना चाहते हैं। एज अ बिजनेस ट्रीट करने का मतलब, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर मैं 24 घंटा मार्केट के अंदर बैठा रहता हूँ, दुनिया में कोई और काम नहीं करता, तो मैं इसको बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। नहीं, आप 12-14 घंटा बैठे रहते हैं 50,000 रुपये की कैपिटल पे, 2-2, 4-4 मेगा मारते रहते हैं, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब होता है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है,
प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कैपिटल है। कई लोग मैंने देखे हैं कि वो 2000 वो 10,000 50,000 60,000 रुपये में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और हर 10 दिन में वो अपनी पूंजी गंवा देते हैं, क्योंकि छोटी ट्रेड से आपको छोटा रिटर्न मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। बड़ा रिटर्न जब आप लेने जाएंगे तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। अगर आप 50,000 से 5,000 में संतुष्ट हैं तो कभी नुकसान नहीं होगा। उस 5,000 रुपये के लिए थोड़ी ना आपको 14 घंटे बैठने की ज़रूरत है। उस 50,000 से 5,000 लेने के लिए तो महीने भर में एक ट्रेड आपको करनी है मिनिमम, या दो ट्रेड कर लीजिए, आपको 5,000 मिल जाएंगे। क्या ज़रूरत है दिन भर बैठने की? वो नहीं है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान है कि व्हेन योर स्ट्रेटजी इज राइट, व्हेन योर लेवल्स आर राइट एंड यू हैव कैपिटल टू बैकअप योर स्ट्रेटजी। सो एक जो होता है ना कि व्हेन अ वांट इज अकंपनीड बाय द कैपेसिटी टू पे, देन इट विल बिकम अ डिमांड। तो वांट हो आपकी, प्लस यू हैव कैपेसिटी टू पे फॉर योर वांट, फॉर योर डिजायर, देन इट विल जनरेट द डिमांड। द सेम चीज है कि व्हेन यू हैव द राइट स्ट्रेटजी, व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज एंड व्हेन यू हैव द कैपिटल टू बैकअप योर स्ट्रेटजी, देन ओनली यू कैन मेक मनी। मैं इस टॉपिक पे, इस लाइन पे, इस बात पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी एक क्लाइंट के साथ या किसी बंदे के साथ बैठ के ये पूरा सेशन रिकॉर्ड करूं और कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाऊं। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूं। उसके अलावा आने वाले टाइम में हम कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे। लाइव सेशंस का मतलब होता है जहां पर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आंसर करूंगा। अगर आप लोग कुछ वीडियोस भेजना चाहते हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मुझे कॉल करके भी बोल सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, थोड़ा सा चीज़ों को मैं लाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को वीडियोस थोड़े लेट मिलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो मैं नए प्लान्स कर रहा हूँ उसमें मेरी कोशिश यही है कि जो भी काम हम करें कम लोगों के साथ करें, लेकिन उसको परफेक्शन के साथ करें। अगर कोई हमसे जुड़ता है एंड ही इज़ विलिंग टू पे द कॉस्ट, देन आई विल मेक श्योर ही विल गेट वॉट ही एंटाइटल्स फॉर। तो अगर कोई जुड़ता है और वो पैसा पे करता है तो मैं ये वादा करता हूँ कि उसको वो मिलना चाहिए जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है। बस ही हैज़ टू हैव सम पेशेंस, बिकॉज इन मार्केट यू कैन ओनली लर्न, यू कैन ओनली अर्न विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस, विद जील एंड अ कॉन्फिडेंस एंड अ बिलीव दैट यू विल गेट सक्सेस इन दिस मार्केट। तो ये था दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैंने लगभग एक हफ्ते बाद वीडियो बनाया, लेकिन 37 मिनट्स का वीडियो हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि जो क्रूड के क्वेश्चंस होंगे आपको आंसर मिल गए होंगे, लेवल्स आपने अभी तक एक पेन पेपर लेके नोट कर लिए होंगे और उन लेवल्स पे छोटे एसएल के साथ आप ट्रेड करेंगे और अगर वो एसएल हिट हो जाते हैं तो आप ज़रूर निकलेंगे। ज़बरदस्ती ये सोच के नहीं कि अब कुछ भी होगा तो जी मैं तो वो करके रहूँगा, नहीं। हमें एक चीज़ समझना चाहिए, समंदर में लहरों के विपरीत तैरने वाला कभी भी पार नहीं पहुंचता। हमेशा हमें लहरों के साथ तैरना होगा। हम कितने ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, कितने ही हमारे बाजुओं में दम क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लहरों के विपरीत तैरेंगे तो लहरें हमें डुबा देंगी। मार्केट भी समुद्र की तरह है और जो ये रेट्स चलते हैं ये लहरों की तरह हैं। अगर आप इनके साथ हैं तो पैसा बनेगा, इनके विपरीत हैं तो पैसा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।